दोस्तों अगर आप विराट कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज को बराबरी पर पहुंचाने के बाद अंतिम निर्णय मुकाबले की तैयारी में भारतीय टीम ने एक इंट्रा स्क्वाड मुकाबला खेला और रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी डिटेल और हाईलाइट को जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कौन है बेहतर खिलाड़ी? इस बात का जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों अंतिम वनडे मुकाबले की तैयारी में भारतीय टीम ने एक इंट्रा स्क्वाड मुकाबला खेला और इस बार भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और शिखर धवन के साथ उतरी और दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करने की, जिसमें पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने शानदार चौका जड़कर मुकाबले की शुरुआत करी तो वहीं तीसरे ओवर में डेविड विली ने कप्तान रोहित शर्मा को 5 गेंदों पर 5 रन बनाने के बाद बेन स्टोक्स के हाथों कैच आउट करा दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने विराट कोहली आए और आते ही अपना खाता चौके के साथ खोल दिया और इसी ओवर में एक और चौका लगाकर ओवर की अंतिम गेंद पर विराट कोहली भी डेविड विली की गेंद पर 5 गेंदों का सामना करते हुए 8 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड हो गए और भारतीय टीम को शुरुआती 2 विकेट जल्दी गिराने पड़े। लेकिन इसके बाद भारतीय टीम संभलने की कोशिश कर रही थी और भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए सूर्य कुमार यादव आए तो वहीं एक बार फिर से 5वें ओवर में दूसरे सलामी बल्लेबाज शिखर धवन 11 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए और भारतीय टीम अब पूरी तरीके से मुसीबत में आ गई थी, जिसके बाद पारी को संभालने के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत आए और सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की और दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को संभाल कर रखा तो 21 ओवर में सूर्य कुमार यादव ने अपना अर्धशतक भी जड़ दिया तो वहीं 30 ओवर में ऋषभ पंत ने भी अपना अर्धशतक जड़ दिया और अब दोनों बल्लेबाज अपने विकराल रूप धारण कर चुके थे। तो वहीं दूसरी तरफ से सूर्य कुमार यादव तेज तर्रार बल्लेबाजी कर रहे थे और 34 ओवर में उन्होंने अपना शतक पूरा कर लिया और ये उनके वनडे का पहला शतक था और भारतीय टीम को मुश्किल से बाहर निकालने का कार्य यहाँ पर सूर्य कुमार यादव ने कर दिया था। लेकिन इसके बाद सूर्य कुमार यादव रुके ही नहीं और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते रहे, जिसमें 42 ओवर में उन्होंने 150 रन का आंकड़ा भी पार कर दिया तो वहीं 44 ओवर में महेंद्र सिंह धोनी के उत्तराधिकारी ऋषभ पंत ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके अपना शतक पूरा किया और दिखा दिया कि भारतीय टीम को संभालने के लिए मध्यक्रम में भी बेहतर बल्लेबाज मौजूद है। तो ऋषभ पंत के शतक लगाने के बाद अगली ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने अपना विकेट गिरा दिया और सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में संकट मोचन के रूप में उभर कर आए और उन्होंने 127 गेंदों पर 21 चौके और 3 छक्के की मदद से 150 रन बनाकर अपना विकेट डेविड विली को दे दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने हार्दिक पांड्या आए और हार्दिक पांड्या ने भारतीय टीम के लिए तेज तर्रार बल्लेबाजी करने की कोशिश की लेकिन ज्यादा देर तक बेहतर बल्लेबाजी नहीं कर पाए और 48 ओवर में 10 गेंदों पर 22 रन बनाकर मोइन अली का शिकार हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने खुद रविंद्र जडेजा आए और उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी प्रारंभ कर दी और 49 ओवर में महेंद्र सिंह धोनी के उत्तराधिकारी ऋषभ पंत ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके 3 छक्के लगा दिए और इसी ओवर में 122 गेंदों का सामना करके 10 चौके और 6 छक्कों की मदद से 134 रन बनाकर अपना विकेट बेन स्टॉक्स को दे दिया। तो वहीं रविंद्र जडेजा 8 गेंदों पर 16 रन बनाकर नाबाद रहे और भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए विरोधी टीम के सामने 381 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना दिए और 382 रन के लक्ष्य का पीछा करने के लिए जब इंग्लैंड की टीम मैदान पर आई तो पारी की शुरुआत करने इस बार कप्तान जॉस बटलर की जगह जॉनी बेयरस्टो और जेसन रॉय मैदान पर आए और दोनों ही बल्लेबाज तेज तर्रार बल्लेबाजी करने का प्रयास कर रहे थे, परंतु जॉनी बेयरस्टो जसप्रीत बुमराह की गेंद पर 4वें ओवर में 14 रन बनाकर विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने जो रूट आए और उन्होंने जेसन रॉय के साथ मिलकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और 19 ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन इसी ओवर में जो रूट 55 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह की गेंद पर विराट कोहली के हाथों कैच आउट हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने बेन स्टॉक्स आए लेकिन 27 ओवर में जेसन रॉय 82 रन बनाकर रविंद्र जडेजा की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने खुद कप्तान जॉस बटलर को आना पड़ा और बेन स्टॉक्स ने 28 ओवर में युजवेंद्र चहल की गेंद पर 1 रन बनाकर विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट हो गए और बल्लेबाजी करने के लिए लिविंगस्टन आए और वो भी ज्यादा देर तक नहीं रुक पाए और 10 रन बनाकर 32 ओवर में युजवेंद्र चहल के हाथों कैच आउट हो गए और बल्लेबाजी करने मोइन अली आए और उन्होंने जॉस बटलर के साथ मिलकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और 44 ओवर में मोइन अली जसप्रीत बुमराह की गेंद पर 55 रन बनाकर आउट हो गए। जॉस बटलर ने भी अपना शतक पूरा कर लिया लेकिन 5 ओवर में 71 रन की आवश्यकता थी लेकिन मात्र 55 रन इंग्लैंड बना पाई और 15 रन से इंग्लैंड ये मुकाबला हार गई और इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच सूर्य कुमार यादव रहे। तो वहीं इस अभ्यास मुकाबले में इंग्लैंड की टीम का हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों आपको क्या लगता है, तीसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम जीत दर्ज कर सकती है या नहीं? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।